दोस्तों, अनन्या सिविल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा बॉक्स कलवर्ट की स्लैब के बारे में। स्लैब के बारे में रेनफोर्स सीमेंट कैसे यूज होता है वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं, साइट विजिट करवा रहा हूँ मैं आपको। देखिए, ये हमारा जिस चेयर फिक्स करते हैं तो देखिए, ये बॉटम जाली है। बॉटम जाली के ऊपर बाइंडर लगा, डिस्ट्रीब्यूशन बार लगा है। डिस्ट्रीब्यूशन बार के बाद जो हम वो ऊपर का स्टील फिक्स करते हैं तो उसको ऊपर जो टॉप जाली रहती है उसको ऊपर रखने के लिए हम क्या करते हैं, चेयर का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, हम चेयर का यूज करते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे हमारा स्लैब में चेयर यूज किया गया है, वो आपको साइट विजिट करवा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ। देखिए कैसे इसको फिक्स किया गया है, चेयर को। टॉप जाली ये है, टॉप जाली में जो डिस्ट्रीब्यूशन बार आता है वो ऊपर आता है, और बॉटम जाली में जो डिस्ट्रीब्यूशन बार आता है वो ऊपर आता है, टॉप जाली में नीचे आता है। और ये जो अपना मेन बार रहता है, मेन बार स्लैब में बॉटम में नीचे आता है और टॉप जाली में ऊपर आता है। देखिए, ये लॉकिंग किया गया है बाइंडिंग वायर से इसको, और हम ये बॉक्स कलवर्ट का स्लैब कास्ट करने के लिए ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। रेनफोर्समेंट स्टील बन रहे हैं।